अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही यूनिक स्टाइल की कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो चले चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल और दो अनियन हम लेंगे बड़े साइज़ के, और उसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी, अनियन हो गया है हमारा फ्राई, और इस स्टेज के ऊपर जो है हम इसको निकाल लेंगे। और बाकी जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी वो 1 kg चिकन जाएगा, फ्रेश चिकन यूज़ होगा इसमें, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टमाटो, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और 1 पैकेट जो है वो बिरयानी मसाला और साबित गरम मसाला इसमें यूज़ होगा, और 1 कप दही। अब हम इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालेंगे और एक स्मूथ सा जो है वो पेस्ट बना लेंगे। जी, तो पेस्ट हमारा जो है वो अच्छी तरह से बन गया है। हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया इसको, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने सिरका भी ऐड किया था। और अब हम इस चिकन को करेंगे मैरिनेट। जी, तो अब हम करते हैं चिकन को मैरिनेट। तो हमने इसी पतीले में पकाना था, इसीलिए हमने इसी पतीले में जो है हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। तो हमने सारा मसाला इस पर अच्छी तरह से लगा देना है, और 2 से 3 घंटे के लिए इसको हमने ना छोड़ देना है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबित गरम मसाला, और 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हम इसको कवर करके 2 से 3 और के लिए हम इसको रख देंगे। जी, अब हम करेंगे राइस को बॉयल। उसके लिए हमने पानी पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, और राइस मैंने पहले भिगो के रख दिए थे। 2.5 ग्लास मैंने इसमें राइस यूज़ किए हैं, और इसको किस स्टेज तक पकाना है ये मैं आपको बताती हूँ। हमने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, और बहुत ज़्यादा जो है वो कच्चा भी नहीं रखना। देखें, ये स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर जो है हम अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे, और हम राइस को अभी इसी के अंदर रहने देंगे। और अब जो है हम डायरेक्ट राइस पानी में से निकाल के जो है वो हम अपने चिकन को जो मैरिनेट किया हुआ था उसके ऊपर हम डालते रहेंगे। उससे पहले हमने चिकन के ऊपर जो है वो फ्राई अनियन डाला है, और हमने लेमन स्लाइसेस डाले हैं, और देन अब इसमें जो है हम
ये देखें पानी में से हम डायरेक्ट निकाल के ना राइस अपने वो पतीले में डालते रहेंगे। जी राइस सारे डल गए हैं पतीले के अंदर और अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राई प्याज और हम लेमन डालेंगे, स्लाइस स्लाइस लेमन के स्लाइस डालेंगे और हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा जो है वो येलो फूड कलर, ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये देखिए लेमन स्लाइसेस डाले हमने इसको। अब हम लगाएंगे आटा और अच्छी तरह से इसको कवर करके जो है हमने 1 आवर के लिए पकाना है। तो हमने आटा इस तरह से लगाना है कि इसकी स्टीम जो है वो बाहर बिल्कुल भी ना निकले। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो आटे से इसको कवर कर देना है। तो आटा अब सारा लग गया और अब मैं इसको अच्छी तरह से कवर करूँगी और इतनी अच्छी तरह से कवर करें कि जो है स्टीम आपकी बाहर बिल्कुल भी ना निकले। जी तो इस फ्लेम के ऊपर हम इसको ना 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर 20 मिनट कुक करने के बाद हम रखेंगे तवा और आग करेंगे तेज़ और उसके ऊपर रख देंगे अपना पतीला और 20 मिनट हम अगेन मीडियम हीट पर जो है अब तवे के ऊपर कुक करेंगे इस तरह से। फिर 20 मिनट अगेन कुक करने के बाद हमारी जो है वो बिरयानी हो गई है रेडी। चलें इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए जी, ओ ज़बरदस्त, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और इतनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। ये देखें जी, लेकिन चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और राइस भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और यकीन करें बहुत टेस्टी बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।